करेंगे एक नए टॉपिक की इस पूरे वीक में, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म की बात करें तो इस साल नीट एग्जाम में जो है आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आया है। ठीक है, आइसोमर होने का सबसे फर्स्ट कंडीशन है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फिर भी कंपाउंड अलग हो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमर। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर का कोई वजूद नहीं है। जैसे यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें कितनी करीना है, तीन, इसमें कितनी करीना है, चार, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक एक तरफ तीन करीना और एक तरफ चार करीना, ये तो वैसे ही अलग है, वैसे ही उनका मॉलिक्यूलर मास अलग है, वैसे ही उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, वैसे ही उनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है। हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो फिर भी कंपाउंड अलग हो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। ठीक है, जैसे यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कितनी करीना है, दो, और दो करीना के साथ भिकमंगे कितने हैं, छह। अच्छा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए करीना कितनी है, तीन, तीन के साथ भिकमंगे, तीन का दुगना, छह में दो ऐड करा, दुगना करके दो ऐड करना है। ठीक है, दो करीना दुगना ऐड, तो दो के साथ भिकमंगे कितने, तीन के साथ, पांच के साथ, ओके। आपको क्या लगा, सीक्वेंस में पूछूंगा, दो के साथ, पांच के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, तीन के साथ, तीन के साथ, समझ गए क्या करना है, दो करीना के साथ भिकमंगे छह, मतलब दो का दुगना और प्लस टू, चार के साथ भिकमंगे, समझ गए, दुगना प्लस टू। ठीक है, अभी बहुत मदद करेगा आपकी, देखना, पांच के साथ भिकमंगे, दस के साथ, बाईस के साथ, फोर्टी सिक्स के साथ, बोलो बोलो, हंड्रेड करीना के साथ, टू थाउजेंड करीना के साथ, चार हजार करीना के साथ, दस हजार करीना के साथ, बोलना भी होता है, पांच हजार करीना के साथ, और तीन करीना के साथ, दो के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, दो के साथ, चार के साथ, चार के साथ, पांच के साथ, पांच के साथ, सिलेक्शन या नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन, अमाइन का सफिक्स, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिडिलाइड, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का एक एसिड, ईस्टर का ए, साइनाइड का, तो आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर करीना कितनी है, अब भिकमंगे गिनने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आएगा कितने भिकमंगे, आठ, करीना भिकमंगे, करीना भिकमंगे। अब यहां देखो बेटा, क्या मैंने यहां पर एक पाई बाउंड बना दिया, यहां से यहां जाने पर एक पाई बाउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, और एक पाई बाउंड आने पर बच्चों दो हाइड्रोजन कम होते हैं, कितने हाइड्रोजन, दो। अब यहां पर करीना कितनी, चार, भिकमंगे आठ। ठीक है, अगर बच्चों मैंने यहां से रिंग बना दी तो दो दो चार, दो छह, दो आठ, भिकमंगे कितने, आठ भिकमंगे। क्या रिंग बनने पर भी दो हाइड्रोजन कम होते हैं क्या, ठीक है, तो रिंग बनने पर भी कितने हाइड्रोजन कम होंगे, दो, और पाई बॉन्ड आने पर भी कितने, बताइए, दो करीना के साथ भिकमंगे, इथीन के, इथाइन के, समझ गए, पाई बॉन्ड बनाते जाओ दो कम करते जाओ। ठीक है, ब्यूटेन के, ब्यूटेन के आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ है नहीं, बस लल्लू छापे भी आग लगा देंगे अपन बहुत तरीके से। ठीक है, बताओ चार करीना के साथ भिकमंगे, और ब्यूटेन के, ब्यूटीन के, साइक्लोब्यूटेन के, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन, समझ में आ रहा है, हेक्सेन के, हेक्सेन, 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 साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पास भिकमंगे कितने हैं, अब कितने हैं, अब
अब पक्का, अब आपको गिनना नहीं, आपको डायरेक्ट बोलना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, बताओ फटाफट। यहां पर दो ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है, बताओ कितने कार्बन। दस कार्बन। करीना भिकमंगे, करीना भिकमंगे, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? है या नहीं है? नहीं है, है। अरे चार करीना नहीं है, चार नहीं है, आठ भिकमंगे नहीं है, दस नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। बहुत सारे आलसी क्या करते हैं, करीना गिन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेते हैं, भिकमंगे भी गिनने होते हैं, बर्बाद हो जाओगे। बताओ दोनों आइसोमर है या नहीं है? ऐसे लल्लू छाप क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, बताओ करीना भिकमंगे क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ गए, हाइड्रोजन भी गिनने होते हैं, ठीक है। तो बताओ दो करीना के साथ भिकमंगे इथेन में, प्रोपेन में, प्रोपेन में, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन, रफ्तार बढ़ रहा है हमारा, समझ रहे हो आप, रफ्तार बढ़ रहा है, रफ्तार बहुत जरूरी है नीट एग्जाम के लिए। ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटीन, पेंटेन, 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 सोडियम बोराइड, कितनों को, किस किस को, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनाएगा, लाहा एसिड बोलेगा, एल्डिहाइड बोलेगा, कीटोन बोलेगा, साइनाइड बोलेगा, नाइट्रो बोलेगा, नाइट्रोसो बोलेगा, ईस्टर बोलेगा, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन, सिर्फ नाइट्रोजन। ओके देखो बेटा, जब किसी भी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड आता है तो उसका डीयू एक होता है, कितना होता है, ए, और अगर एक रिंग बनता है तो उसका डीयू एक रहता है। रिंग में भी डीयू कितना, एक, और पाई बॉन्ड में भी डीयू कितना, ओके बताओ डीयू, अरे डीयू, अरे डीयू बताओ इसका, आप बोलो, समझ में आ रहा है, एक रिंग का डीयू एक और एक पाई बॉन्ड का ए, बताओ डीयू, डीयू इसका डीयू, ओके डीयू, अब अच्छा बताइए इसका डीयू, अब डीयू, अब समझ में आया। तो एक डीयू बराबर कितने पाई बॉन्ड, एक, दो डीयू, तीन डीयू, किसी भी कंपाउंड में जो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है वो रिप्रेजेंट करती है डीयू को। बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो इससे जादू क्या हुआ, मैंने लिखा C2H6, बताओ कोई हाइड्रोजन कम है, पूरे हैं, पाई बॉन्ड आएगा, आएगा नहीं आएगा, अच्छा आप बताइए पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, आप बताइए पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, अब बताओ पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, अब बोलिए पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, अब बोलो पाई बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, अब बताइए पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, अब बताइए पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, क्या दो हाइड्रोजन कम हो गए क्या, और दो हाइड्रोजन कम होने पर पाई बॉन्ड आता है या नहीं आता है, अब बताइए पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, अब बताओ पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, कहां से आएगा, वहां आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन जब भी दिख जाए ना, जितने हाइड्रोजन होते हैं ना उससे एक ज्यादा होता है, नाइट्रोजन जब भी दिख जाए उससे जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने उससे एक ज्यादा होता है। करीना कितनी होती है, चार, तो भिकमंगे कितने, चार है, क्या गांजा वांजा फूक के आए हो क्या, ठीक है, करीना चार तो भिकमंगे कितने, और नाइट्रोजन होता है उससे एक ज्यादा, 11, ठीक है। कैसे, आप मुझे नाइट्रोजन बताना, C5H नाइट्रोजन लिखा, बताओ भिकमंगे कितना, 13, C4H नाइट्रोजन 11, समझ में आ रहा है,
चार करीना के साथ बिकमंगे कितने हैं? 10, उससे एक ज्यादा लिखना है, ठीक है। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम। अब हवा में बता सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, बताओ। ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन सेम यह है या नहीं है? ब्यूटीन और साइक्लोब्यूटेन, समझ में आ रहा है? रफ्तार बढ़ गया हमारा, ठीक है। पेंटेन साइक्लोपेंटेन, पेंटीन साइक्लोपेंटीन, हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन, हेक्सीन साइक्लोहेक्सेन, समझ में आया? तो अब जो है हाइड्रोजन गिनने का टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा एग्जाम रफ्तार का एग्जाम है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए बेटा यहां करीना कितनी है, दो के साथ भिकमंगे और यहां दो के बाद एक, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O। गिनना नहीं, 3, 2, 5 ऐसे नहीं करना है, ठीक है, वो बच्चे करते हैं नर्सरी के। अब बताओ करीना कितनी, भिकमंगे कितने हैं? 6 और धोखेबाज 1। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? फिर भी दोनों कंपाउंड सेम नहीं है। एक दारू है, एक ईथर है, एक दारू है और एक ईथर है। भाई साहब अगर इस दारू में आप सोडियम डालो तो इससे रिएक्ट कर जाता है, बट अगर इस ईथर में सोडियम डालो तो कोई रिएक्शन नहीं करता। एक रिएक्शन कर रहा है, एक नहीं कर रहा। इस प्रॉपर्टी का नाम बच्चों होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। तो बताइए दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है या अलग है? अलग। अल्कोहल का बीपी अलग होता है, ईथर का बीपी अलग होता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बताइए बच्चों दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है या अलग है? अलग, ठीक है। तो अब डेफिनेशन निकल के आई, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो फिर भी कंपाउंड क्या हो? अलग। यहां क्या अलग आया? केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उसे हमने क्या बोला? आइसोमर्स। क्या बोला? आइसोमर। और ये फिनोमेनन क्या कहलाया? आइसोमरिज्म। क्या कहलाया? आइसोमर। आइसोमर्स का डेफिनेशन क्लियर है? ओके। देखो आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो फिर भी वो अलग हो। अब इसमें हम दो कैटेगरी में इसे डिवाइड करते हैं बच्चों। एक तो आता है स्टीरियो आइसोमर और एक आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक आता है स्टीरियो आइसोमर, एक आता है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में भी अंतर होता है। बताओ दोनों सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। तो दोनों को देखने का नजरिया भी सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग। अब आप देखिए टॉपिक खत्म हो जाते, उन्हें पता नहीं होता कब स्ट्रक्चरल है कब स्टीरियो है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, नाम से पता लग रहा है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? डिफरेंट। भाई साहब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आइसोमर का डेफिनेशन पता है क्या याद रहता है? कैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो मगर उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो उसे हम आइसोमर बोलते हैं। बर्बाद हो जाते हैं इस डेफिनेशन से। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब निपट गए, बहुत बुरी तरह से निपटे हो बेटा, बचा नहीं पाएंगे आपको। अब आप देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है बेटा IUPAC नेम। क्या अलग होगा? IUPAC नेम। बताइए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। दोनों का यूपीएससी नाम सेम आएगा या अलग आएगा? अलग। तो बताइए स्ट्रक्चरल होगा या स्टीरियो होगा? स्ट्रक्चरल। समझ में आ रही बात? तो अगर आईयूपीएससी नाम अलग हो गया तो वो कौन सा आइसोमर होगा? स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं आपसे पूछूं यहां पर कितने करीना? 4। कितने करीना? 4। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? आईयूपीएससी नाम सेम या अलग? सेम या अलग? कौन सा कैटेगरी में आएगा? स्ट्रक्चरल। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में बच्चों हम डिस्कस करते हैं, एक आता है चेन आइसोमर, दूसरा आता है पोजीशन आइसोमर, तीसरा आता है फंक्शनल आइसोमर, चौथा आता है माइटामर, नेक्स्ट आता है टाउटोमर, मरहीमर और एक आता है रिंग चेन आइसोमर। दीज आर द आइसोमर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। तो बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अभी मैं फोटो बनाऊंगा आपको बहुत आसानी से हवा में जवाब दोगे आप, इतना मेरा गारंटी है। मगर
कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर तो कॉपी में लिखे हुए क्वेश्चन याद होंगे आपको, उसके अलावा देखा हुआ क्वेश्चन थोड़ी याद हो सकता है। अनदेखा अनदेखा अनजाना सा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें बर्बाद हो जाते हैं हम। ठीक है, बताओ चार करीना के साथ भिक मंगे, C4H10 आएगा, C4H8 C4H10O C5H12O C5H10O समझ में आ रहा है, C6H14O C6H12O C4H11 C4H11 C4H9 समझ में आएगा, आएगा नहीं, आ गया, आएगा नहीं, आ गया। ठीक है, अब साहब स्टीरियो आइसोमर के बारे में हम बात करें बच्चों, तो स्टीरियो आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। और नाम से पता लग रहा है, अब हम बात करें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब आईयूपीएससी नाम, अगर आईयूपीएससी नाम डिफरेंट हो गया तो कौन सा आइसोमर, स्ट्रक्चरल। अगर बच्चों स्टीरियो की बात करें तो उसके लिए आईयूपीएससी नाम भी क्या होना चाहिए, सेम। अगर आईयूपीएससी नाम अलग हुआ तो कौन सा आइसोमर, स्ट्रक्चरल। मतलब स्टीरियो के लिए आईयूपीएससी नाम भी क्या होना चाहिए, सेम। फिर क्वेश्चन आता है क्या अलग हुआ, तो भाई साहब अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D में यदि अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया तो उसे कौन सा आइसोमर बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, और स्टीरियो को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं, एक आता है कंफर्मेशनल आइसोमर और एक आता है कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर। और कॉन्फिग्रेशनल में हम पढ़ते हैं OI एंड GI, GI बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, OI बोले तो ऑप्टिकल आइसोमर। चलिए उस पर आते हैं, सबसे पहले यहां पर देखिए, बताओ इसमें करीना कितनी दिख रही है आपको, चार, चार के साथ भिकमंगे कितने होते हैं, 10, यहां कितने होंगे, 8, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए इसमें करीना कितनी दिख रही है, 4, चार के साथ भिकमंगे यहां कितने होंगे, 8, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 1, 2, 3, 4, पेरेंट चेन में कितनी करीना, 4, ये ब्यूटवानीन है या ब्यूटुइन, यहां बताइए 1, 2, 3, 4 ब्यूटो है, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएससी नाम सेम है, फिर भी दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, दोनों कंपाउंड अलग है। और क्या अलग है आप देखिएगा यहां पर बेटा, जब सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो उसे बोलते हैं सिस, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो उसे बोलते हैं ट्रांस। तो बताइए 3D में यदि अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है तो उसे कौन सा आइसोमर बोलते हैं, स्टीरियो। अब मेरे 2-3 सवालों के जवाब दीजिए, क्या ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं क्या, क्यों, आईयूपीएससी नाम सेम है और वहां पर आईयूपीएससी नाम अलग है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, ये मेजर डिफरेंस है इसका। अगर यही पता नहीं है तो फिर कितने क्वेश्चन कर लो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब फटाफट कैटेगराइज करा मैंने, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर आईयूपीएससी नाम डिफरेंट हुआ तो स्ट्रक्चरल और सेम हुआ तो स्टीरियो। समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट का जवाब दीजिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर के आईयूपीएससी नाम हमेशा अलग होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर के आईयूपीएससी नाम कभी कभी सेम होते हैं, सही है या गलत है, स्टीरियो आइसोमर के आईयूपीएससी नाम हमेशा अलग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपसे गलतियां होगी, गलतियां क्लास में करनी है, गलतियों से मत घबराना, जितनी गलतियां क्लास में करेंगे उतनी एग्जाम में कम होगी, इस कॉन्सेप्ट पे अपन काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलो रहने दो, ठीक है, जैसे मान लो आप घर पे हो और आपने पिताजी से ऊंची आवाज में बात करी, उस समय आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा, उस समय अगर पिताजी ने रिएक्ट किया अपने तरीके से तो आप बाहर किसी से नहीं करोगे, समझ रहे हैं आप, या स्कूल में कभी आप जो है किसी अड़ोसी पड़ोसी से ऊंची आवाज में बात करने के बाद जो उसके साइड इफेक्ट अगर आपको मिले तो फिर कॉलेज में कभी नहीं करोगे, समझ रहे हैं, क्योंकि गलती एक बार होती है, समझ, जैसे इस भाई को इसने धक्का मारा, इसने इसके धक्का मारा और इसने चांटा जड़ दिया,
अब आदमी कभी भी धक्का नहीं मारेगा ये ट्रेन में भी जो है आराम से कि नहीं नहीं दूर बैठो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्यों, गलती हो गई है, नुकसान हो चुका है। अब वो गलती अगर डायरेक्ट ट्रेन में होती तो, जैसे कोई आंटी जी बैठी होती ये ऐसे कर देता तो साइड इफेक्ट आते या नहीं आते, आते ना। क्लियर है ये। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल का एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं जिनके पास अपने क्लासरूम के नोट्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको चाहिए तो अड़ोसी पड़ोसी का शिकार करो, उसको जो है उसको दे दो कि भाई तेरी नोटबुक दे दे, मैं कल जेरोक्स करा के दे दूंगा, और कल आना ही मत। तो नोटबुक की नोटबुक आ गई और अपना काम का काम हो गया, गायब हो जाना मार्केट से, ठीक है। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, जो नोटबुक देने वाला विद्यार्थी है वो नोटबुक ना दे, ठीक है, उससे कहते भैया पैसे दे दे, मैं कल जेरोक्स करा के तेरे को दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये बोला है कि अगर कोई आपसे नोटबुक मांग रहा है तो या तो उसके साथ खुद जाइए, जेरोक्स करा के उसको नोट्स दे दीजिए, नोटबुक मत देना भाई, इस समय बहुत मार्केट में बहुत सारे घूम रहे हैं ऐसे बच्चे जिन्होंने साल भर नोट्स नहीं बनाए और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसके बैग का डाका डाला जाए, ठीक है। तो हॉस्टल में भी या कहीं भी आप बच के रहें। देखो सबसे पहले बच्चों आपको चेक करना है मॉलिक्युलर फॉर्मूला, क्या चेक करना है, मॉलिक्युलर फॉर्मूला। फिर बच्चों आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप, अगर मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है तो आप आगे बढ़ेंगे, फिर बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। यदि फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाता है तो वो कौन सा आइसोमर होता है, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। मान लीजिए बेटा फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाता है तो फिर और आगे आप बढ़ेंगे, फिर आप चेक करेंगे पीसीसी, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट या पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। अगर पीसीसी की करीना डिफरेंट हो जाती है या फिर साइड चेन के कार्बन डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब साइड चेन में कार्बन डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर। और अगर वो भी सेम हो जाता है तो फिर आप चेक करेंगे पीआई, पीआई बोले तो पोजिशन आइसोमर। मान लीजिए बेटा मल्टीपल बॉन्ड का पोजिशन डिफरेंट हो जाए, साइड ब्रांच का पोजिशन डिफरेंट हो जाए या फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो जाए, तीनों में से कोई भी डिफरेंट हो जाए एक, तो उसे हम कौन सा आइसोमर बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मॉलिक्युलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मॉलिक्युलर फॉर्मूला, अगर वो अलग हो गया तो नॉट आइसोमर, आगे नहीं बढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, आप टेंशन मत लो सर, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, मॉलिक्युलर फॉर्मूला, अगर मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्या, फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो कौन सा आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। अगर वो भी सेम हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे पीसीसी, पीसीसी सेम हो जाए तो साइड चेन, और दोनों सेम हो जाती तो फिर हम देखते हैं पोजिशन। देखिए अगर बच्चों आप पहली नजर के साथ जाओगे ना तो बर्बाद हो जाओगे, पहली नजर बर्बाद कर देती है, ध्यान रखना पहली नजर पर कभी भी विश्वास ना करें, दूसरी नजर देखो, तीसरी नजर देखो, देन डिसाइड करो, ठीक है। अब जैसे मैं अगर देखूं, मुझे पहली नजर में यहां पर दिख रहा है कि नाइट्रोजन उठ के पड़ोस में चला गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गया और पोजीशन आइसोमर बन गया, गलत तरीका है ये तो, अभी मैंने तो सिखाया, मेरे को ज्ञान पिला रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें, अभी पहली नजर में ये दिख रहा है आपको पोजीशन, गलत तरीका ही है, ठीक है। बताओ ईमानदारी से किस किस को पोजीशन दिख रहा है, सारे बेईमान है, ठीक है। चलिए अब यहां पर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जैसे यहां पर मैंने ऐसे फोटो बनाए, बताओ करीना कितनी है, तीन के साथ भिकमंगी कितने होते हैं, आठ, मगर यहां एक पाइप बना रहे कितने होंगे, छह। तो भाई साहब छह और एक ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला क्या है, सेम। इसके बाद बच्चों क्या चेक करेंगे, फंक्शनल।
ये बताइए से अ अ एच क्या कहलाता है? ऐसे सी एच ओ क्या कहलाता है? एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप सेम है या अलग? कौन सा आइसोमर? फंक्शनल आइसोमर। अगर पहली नजर देखोगे तो पहली नजर तो कह रही है कि ये पोजीशन है कि लगा दे बेटा, पोजीशन है पोजीशन है, और निपट जाओगे। और पहला ऑप्शन ही पोजीशन होता है, तो आप क्या सोचते हो? ऑप्शन पहला मेरे लिए ही दिया ही है, ठीक है, ताकि मेरे को और ऑप्शन चेक ना करना पड़े। तो बताओ पहली नजर के साथ जाओगे क्या? बर्बाद कर देती पहली नजर, ठीक है। दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम। अब क्या चेक करें? फंक्शनल ग्रुप सीओ एस टू क्या कहलाता है? अमाइड। सी एच ओ एल डी हाई। फंक्शनल ग्रुप सेम या अलग? कौन सा आइसोमर? इज दिस क्लियर? ओके, मैं वो सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। बाउंसर मारू क्या एक? चलो फिर, बहुत सारा कोई चेन दिखेगा अभी। बताइए फंक्शनल या चेन? अरे एसिड है, एल्डिहाइड है, क्यों क्यों क्यों? एक ऑक्सीजन नहीं, सिंपल बोलो मॉलिक्युलर फॉर्मूला, एक ऑक्सीजन, ठीक है। यहां मॉलिक्युलर फॉर्मूला में कितनी धोखेबाज है? दो। यहां कितनी है? एक। मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है या अलग है? अलग। तो ये आइसोमर नहीं है। सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है, जंप नहीं करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है? मॉलिक्युलर फॉर्मूला। जैसे बच्चों यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसी सीक्वेंस को फॉलो करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए बढ़ रहे हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए और बी। समझ गए आप लोग क्या करना है? ठीक है, चलिए यहां पर आपको फोटो दे दिया। सबसे पहले करीना कितनी? यहां कितनी? चार के साथ बिकमंगे 10। अब गिनने का टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, चार के साथ बिकमंगे 10। क्या मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है? अब क्या चेक करें? फंक्शनल ग्रुप अल्केन अल्केन, फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम। उसके बाद क्या चेक करें? पीसीसी। बताइए पीसीसी में कितनी करीना? चार। यहां कितनी? तीन। पीसीसी सेम या अलग? कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, यहां पर हम बात करते हैं, बाउंसर मारू? छक्का मार दोगे? छक्के मारने के लिए पैदा हुए हो? वेरी गुड। देखो जन्म का औचित्य तो होना ही चाहिए, हम छक्के मारने के लिए पैदा हुए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, बताओ करीना चार के साथ बिकमंगे कितने होते हैं? 10। यहां कितने हैं? 8। क्यों? एक पाइबॉन्ड। क्या दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है? है या नहीं है? है। अब चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप, ये चचा कौन है? एसिड। ये चचा कौन है? एसिड। क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? अब क्या चेक करेंगे? पीसीसी। अब पीसीसी ध्यान रखना, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? क्या ये डॉन है? यस। इंक्लूड करेंगे, यस। कितनी करीना? 3। यहां पीसीसी में कितनी करीना? 4। पीसीसी के रीना सेम या अलग? कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। नहीं आया? पक्का? इस तरह से आप क्वेश्चन को चेक करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन ये रहा, रेडी? यहां लगाया एल्डिहाइड, यहां लगाया एल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड का फोटो डबल होता है ट्रिपल? डबल। एनओ टू का डबल, साइनाइड का डबल, डबल डबल है, डबल डबल है। एल्डिहाइड का, एसिड का, साइनाइड का। ओके, करीना कितनी? मुझे तो 5 दिख रही है। स्टाइल है अपना अपना झूठ बोलने का। 1, 2, 3, 4, 5। कितनी करीना? 5। 5 के साथ बिकमंगे कितने हैं? 12। मगर एल्डिहाइड में एक पाई बॉन्ड आ रहा है तो कितने होंगे? 10। क्या दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है? झूठ बोलेंगे, भगवान की कृपा देखो, दोनों पे भगवान की कृपा देखो, दोनों के टीका लग रहा है, सिंदूर भी लगाओ, ठीक है। चलिए देखिए यहां पर हम बात करते हैं, दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। क्या फंक्शनल ग्रुप सेम है? इसके बाद क्या चेक करेंगे? पीसीसी। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस। क्या ये डॉन है? यस।
इंक्लूड करेंगे यस। बगल में अब करीना, बगल में दो करीना, कहां जाओगे? इधर जाओ ना, सेल में जाओगे क्या? तो यहां करीना की सेल लगी पीसीसी में, कितनी करीना यहां पीसीसी में? पीसीसी सेम या अलग? कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। एनी डाउट? एनी शक? ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर धीरे धीरे जो है, अभी मैं एक एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, उसके बाद आपको ही बताना है डायरेक्ट क्वेश्चन फॉलो करते हुए। रेडी? बताओ भिकमंगे। यही तो गलती हो गई आपसे। अच्छा ठीक है, क्या पता दोबारा सोच के गलत करो। ठीक है, दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला, पहला भी दारू, दूसरा भी दारू, फंक्शनल ग्रुप से। अब पीसीसी, पहले में पीसीसी टी, दूसरे में टी, पीसीसी से, उसके बाद पोजीशन। यहां पर पोजीशन कौन से नंबर पे? फर्स्ट। यहां पर सेकंड। पोजीशन सेम या अलग? कौन सा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। इज दिस क्लियर? देखो मैं जंप नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं बता रहा आपको, देखो पहले पे आ रहा है, दूसरे पे आ रहा है, बर्बाद हो गया अगर आपको मैं ऐसे बता रहा हूं तो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, सीक्वेंस फॉलो करना है। देखो कैसे, अगर मुझे आपको बर्बाद करना है तो बहुत आसान काम है मेरे लिए, बहुत ही आसान, बिल्कुल लल्लू छाप। करीना कितनी? करीना कितनी? क्या यहां दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं? हाइड्रोजन कम होंगे? कितने हाइड्रोजन होंगे टोटल? यहां हाइड्रोजन, दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला। देखो बेटा यहां पर पहले कार्बन पर डबल ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और ये यहां से उठकर यहां आ गया, पोजीशन अलग हो गया, पोजीशन आइसोमर। ये सिंपल तरीका है बर्बाद करने का, आप भी बोलोगे आहा मजा आ गया, आहा कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, देख पाई बॉन्ड उठाने से ही पोजीशन बन रही है तो हम क्यों सीक्वेंस फॉलो करें? भाई साहब सीक्वेंस फॉलो नहीं करते तो फिर वो रिपीटर्स के सीक्वेंस फॉलो करने पड़ते हैं, रिपीटर वन, रिपीटर टू, रिपीटर थ्री, क्योंकि कॉन्सेप्ट फर्जी नहीं बनना चाहिए, रियल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इफ एंड बट नहीं लगना चाहिए उसमें। ठीक है, चलिए दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम, ये अल्काइन है, ये अल्कीन और ये अल्कीन, अल्कीन अल्काइन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होता, अलग होता है, इसलिए कौन सा आइसोमर होता है? फंक्शनल आइसोमर। नहीं आया? ठीक है सर, ये तो पोजीशन दिख रहा है तुम्हें पहली नजर से दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं पहली नजर पे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, बर्बाद कर देगी, मान ही नहीं रहे हो। बताओ कितनी करीना? चार के साथ भिकमंगे दस होते, यहां कितने? यहां कितने? क्या दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है? ये इन है या आइन है? वो आइन। दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम। पीसीसी में कितनी करीना? चार। यहां कितनी? चार। क्या पीसीसी सेम है? साइड चेन में कोई कार्बन नहीं है तो फिर डायरेक्ट पोजीशन पे आएंगे, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन वन, यहां पर टू, क्या पोजीशन चेंज हो रहा है? कौन सा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। पहली नजर के साथ मत जाना पापियों, बर्बाद हो जाओगे। क्यों? मैं पहली नजर वाले भी क्वेश्चन यहां पर डाल रहा हूं आपको। ठीक है, देखिएगा, बताओ कितनी करीना? करीना दिखमंगे आठ, क्योंकि एक पाई बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, दोनों का मॉलिक्युलर फॉर्मूला सेम है, ये इन है, वो इन है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, उसके बाद क्या देख करें? पोजीशन या पीसीसी? पीसीसी में कितनी करीना? चार। या कितनी? तीन। पीसीसी सेम या अलग? कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर। नहीं आया? अगर बच्चों अगर मैं फर्जी कॉन्सेप्ट से आपको बताता तो आपके लिए ये भी पोजीशन था, ये भी पोजीशन था और ये भी पोजीशन था। ठीक है, क्यों? मेरे लिए बहुत आसान था ना, अगर मैं आपको ये समझा देता कि देख बेटा ये बॉन्ड इधर उठ के चला गया ना, हाँ सर चला गया, तो देख पोजीशन अलग हो गया, हाँ सर बिल्कुल हो गया, तो देख ये चला गया ना, हाँ चला गया सर बिल्कुल अलग हो गया, देख ये चला, फिर मैं कहूंगा यहां नहीं गया तो दिमाग का दही, और सड़ गया दही, ऐसा सड़ा के बदबू मारने लगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं? ओके, अब साहब मैं यहां पे फोटो बनाऊंगा, आपको बिजली की रफ्तार से आंसर देना है। ठीक है, मेरा काम खत्म हुआ है, ये सीक्वेंस फॉलो कर, सीक्वेंस फॉलो करना, जंप मत करना नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, और अपनी बर्बादी की जिम्मेदारी आप खुद की होगी। मैं जब बोलूं तभी बोलना है,
बताओ करीना, बोलना नहीं, मन में सोचना है, अब नहीं बोलना। करीना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, कर लिया? फंक्शनल ग्रुप चेक कर लो, कर लिया? पीसीसी चेक करो, ठीक है? बताइए ए और बी में रिलेशन। एक होती है बेइज्जत होना, एक होती पूरी मोहल्ले में बेइज्जती होना, ठीक है? गलती से क्या है, बच्चा मार खाते खाते बाहर चला जाता है, उसको लगता है पिताजी अब हाथ नहीं उठाएंगे, अब पिताजी ज्यादा मारते हैं, ठीक है? अब देखो ज्ञान पिला रहे गलतियां करके, हो गई ना गलती, क्यों होशियारी दिखा रहे हो? अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, पीसीसी सेम, पोजिशन सेम, तुमको सेम बोला, अभी अलग होता है, ठीक है? कौन सा आइसोमर है? पोजीशन। कोई डाउट है पोजीशन में? ओके, सोचो। ओए भाई चारों ध्यान रखना, सिलेक्शन रुक जाएगा अगर एक दूसरे की मदद करोगे तो। दिमाग का खुद का यूज करो, धक्का प्लेट मत बनाओ गाड़ी कि थोड़ा सा ये बता दे, थोड़ा सा ये बता दे, उसके बाद तो मैं 10 पेज भर दूंगा, ठीक है? अलग बैठो एक दूसरे से, सिलेक्शन ही रुकेगा, रैंक वैंक तो भाड़ में गई। चलो चल, पोजीशन यही तो, रीजन में बताऊंगा। चेन के साथ कौन कौन जाना चाहेगा? पोजीशन। अब देखो जिनका आंसर पोजीशन है तुमने डरा दिया उन्हें, ठीक है? वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं उनके अब हाथ ही नहीं है, ठीक है? कि हमारे तो कानून से बंधे हुए हैं, ठीक है? चलिए सीक्वेंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, पीसीसी अलग, कौन सा आइसोमर? चेन आइसोमर, ठीक है? सोच लो, कुछ नहीं है लल्लू छाप, अगर कॉन्सेप्ट है तो, नहीं तो तुम उठा उठा के रखो बस। हो गया ऑप्शन दूं? यस सर। ऑप्शन में झांपटी है और कुछ भी नहीं है अपने पास, ठीक है? चलिए बताइए क्या होगा? कोई और लग रहा है आपको? मैं फिर कह रहा हूं, अगर अड़ोसी पड़ोसी ने जो आंसर दिया उसको फॉलो मत करो, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। आपके सबके कॉन्सेप्ट से यही आ रहा था? ओके, बाउंसर मारू एक? छक्का मारोगे? क्या करे बेटा, आपकी मजबूरी छक्के मारना। ₹500% चांसेस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है ये। तोड़ दो दीदी, तोड़ दो, बर्तन फेंको है ना, ठीक है? हथियार लेके घूम रहे हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं 50% जनता का आंसर गलत जाएगा। डन? यस। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से एक बताना, पोजीशन या चेन। चेन किस किस का है? वेरी गुड, फंक्शनल आइसोमर। Yeah.
अब मैं स्टार्ट करूं, मैं स्टार्ट करूं। अभी ये जो चेन बोल रहे हैं नजर भी नहीं आएंगे कि हम तो हमारी दवाएं कट गई, हमारी तो दवाएं नहीं कट गई। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ता है तो साब इसे बोला जाता है फिनॉल, और ये OH डायरेक्टली नहीं जुड़ा है तो इसे बोला जाएगा अल्कोहल। और एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर। फिनॉल अलग फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल अलग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, इसलिए कौन सा आइसोमर आया? फंक्शनल आइसोमर। किस किस का ऐसे ही सोचा था किसने? तीन चार स्टूडेंट। ठीक है, चेन वाले तो जो है वहां बाहर एक डंडा लेके खड़ा है पुलिस वाला। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, पहली नजर में पोजीशन दिखता है। अच्छा, चेन वेन तो जाए भाड़ में, पोजीशन किस किस ने सोचा था? अगर ये पेपर में भी आता है ना क्वेश्चन, तो 80% स्टूडेंट इसको जो है पोजीशन लगाते हैं। कैसे? वही पहली नजर, ये OH यहां से उठकर यहां चला गया और इस वजह से पोजीशन हो गया, पोजीशन परिवर्तित हो रही है। पहली नजर नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने आपको। समझ में आई आपको कहानी? ठीक है, तो पूरे 6 दिन तक हम आइसोमर्स का रिवीजन करते रहेंगे। किसका? आइसोमर। और जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका सब्जेक्ट कमजोर है तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट नहीं है, 7:30 बजे वाला बैच आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको ठीक है आता है इसी तरह से रिविजन करना है तो फिर बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।